दूध पिला के अब हम हॉस्पिटल निकल रहे हैं। मार भेज दिए पुलिस वाला कौन सा केस है वो अब पहले से आएगा लाइव कर दे पुलिस वाला कौन है बताइए कौन सा पुलिस वाला मुंडे को बताओ कौन सा डॉक्टर कौन है पीछे डॉक्टर नहीं पता डॉक्टर कौन है पीछे दिखा दो मुझे नहीं पता भाई कौन है भाई बोलो तो मैं बोलो तो क्यों नहीं जा रही इसका नंबर नहीं दिया था इसका नंबर आ रहा है मेरे को नाम तो बताओ डॉक्टर कौन सा अंदर मैं क्या डॉक्टर के नाम डरता हूँ तुम बताओ ना बताओ अंदर कौन है बैठा हुआ चलो मैं सर बुला लेता हूँ आप बात करवा दे अंदर कौन सा डॉक्टर है जो देख नहीं रहा उसकी तबीयत इतनी खराब है 9 बजे से आप व्हीलचेयर स्ट्रेचर पर आते हैं आपका पेशेंट को तुरंत अंदर कर देते हैं ठीक डॉक्टर वहाँ से स्ट्रेचर देते हैं चलाना चाहते हैं डॉक्टर स्ट्रेचर देते हैं व्हीलचेयर देते हैं जो इमरजेंसी पेशेंट होगा उसको और उसको देख लेते हैं कि चले जितना उसके लिए अच्छा है बेटर है उसके लिए जी हम अपने पेशेंट को वापस लेके जा रहे हैं अगर कोई 19-20 बात हो गई तो मैं ये हॉस्पिटल वालों का नाम लगाऊंगी क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है बहुत देर से हम देख रहे हैं 9 बजे से खड़ी है वो उसके पीछे के पेशेंट चले गए लेकिन हमारा बच्चा नहीं गया इतनी तकलीफ है उसको अब कह रहे पुलिस वाले को देख रहे हैं पुलिस वाले को हमारे बच्चे को कोई नहीं देखेगा भैया ये रील मत बनाओ यहाँ पर रील फील नहीं बन रही यहाँ पे हमें मत सिखा कौन सी रील बन रही है क्या बन रही है अभी रील बना दूं यहाँ पे सर ये यहाँ पर रील बना रहे हैं और थोड़ी जबरदस्ती भी कर रहे हैं पेशेंट का नंबर लिया है अभी ये सारी रिकॉर्डिंग हुई ये और ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है जुलूस निकल रहा है तेरा सारी रिकॉर्डिंग हो रही है ये जो तू बकवास कर रहा है रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो आप रिकॉर्डिंग तो चल रिकॉर्डिंग करना ही गलत है यहाँ पर बाउंसर को तो बुलाना पड़ेगा बुला लिए भैया उनसे बात कर रही हो आप बुला लिए भैया जरूरत नहीं आप नहीं पता चल जाएगा थोड़ी देर आप यहाँ से खड़े हो लो भाई यहाँ मत बैठो आप खड़े पढ़ने साहब गेट के सामने मत रहो भैया खड़े हो लो आप यहाँ से यही बैठे रहे नहीं उठे कि नहीं बस ठीक से बैठी सर तू भी उठ जाएगी राजीव उठ जाएगी बाहर हो रहे अरे बाहर हो रहे पढ़ने साइन हो रहे मक्स लगा के हर बच्चन बाहर ये रील बना रहे हैं यहाँ अच्छा ये नुकर है हमारा पेशेंट को नंबर आया हुआ है और इन्होंने अंदर घुमा रहे हैं दबा के 4 घंटे हो गए अंदर बैठे हुए लेडी से ड्रामे कर करके आ रही है कि अब मेरा कुछ हो गया अंदर जाके डॉक्टर भी वापस भेज रहे हैं कि ड्रामे कर रही है वो इतनी देर से खड़ी हुई है वो इतनी देर से खड़ी है अंदर डॉक्टर ने अभी तक देखा ही नहीं है अंदर से बाहर भेज दिया वो परेशान होकर बाहर आ गई है 9 बजे से बैठी है इसको बस इतना सा बोला है इनको बस इतना सा बोला लेडीज को भेज दे साथ में वो देख लेंगे बोल देंगे ऐसे इमरजेंसी लास्ट डेट है इमरजेंसी बोल दे उसे जाके ये ना इसे समझ आ रही नंबर कर रहा है 10-12 बज गए तो ये आराम से मैंने इसे कहा बंदा सुन नहीं रहा पता नहीं क्या अपने चोट में लगा हुआ है कोई नहीं हेलो आया करो जाओ 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 पानी बोतल दे दो अरे देखेंगे उनको कोई दुश्मनी थोड़ी उसी ना जाओ आराम से खड़े हो अंदर ही रहना मास्क लगा लो बोल देना ठीक है वीर जी इतना मैंने इसे आराम से समझाया ये समझ नहीं रहा अपनी गालियां मारे जा रहा है वेलकम बैक गाइस फॉर अनदर ब्लॉग तो ये ब्लॉग चल रहा है हमारे घर में जो खुशी आई है नए न्यू बॉर्न बेबी आया है तो उसके ऊपर है ये ब्लॉग तो आई होप आपको अच्छा लगने वाला है बट जो हमारा ये जो आपने पीछे देखा कि ये लड़ाई हो रही थी जोन सी हमारी ये लड़ाई जोन सी थी हमारी दीनदयाल हॉस्पिटल में थी क्योंकि वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल था दीनदयाल हॉस्पिटल यहीं पर हरिनगर साइड में तो वहाँ पर इतनी मतलब इतना टाइम हमें वेस्ट किया मतलब इतनी हमें इमरजेंसी थी वहाँ पे डॉक्टर देख ही नहीं रहा था और डॉक्टर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे हमने कम से कम 5 से 6 घंटे वहाँ पे वहाँ भी खड़े रहे बट डॉक्टर ने किसी ने देखा नहीं तो हार के हमने जब बोलना शुरू किया प्रेशर दिया तब जाके वहाँ पे उन्होंने कुछ किया बट फिर भी हम देखे लास्ट में गार्ड जब अंदर चला गया तो गार्ड फिर भी उन्हें कुछ बोल के आ गया तो डॉक्टर ने
पता नहीं क्या अंदर लेके गया, फिर उन्हें वापस ही भेज दिया कि मतलब उसने डॉक्टर ने भी इलाज विलाज नहीं किया, कुछ देखा नहीं, मतलब वैसे ही भेज दिया, मतलब कि आप भाई अभी अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ। बट उन्हें दिक्कत थी, हम उसी वक्त फिर दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हुए, वो तिलक नगर में दशमेश हॉस्पिटल है, तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके एडमिट हुए। बाकी आपको ये ब्लॉग साथ साथ में देखें। दैट्स द ब्लॉग। यहाँ पे लग चुका है, थोड़े टाइम में रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ी देर में आ जाएगा रिजल्ट, थोड़े टाइम में। जहाँ पे बच्चे की बुआ जी भी ओके ओके गए थे घर अपने, ऊपर जी को सबसे ज्यादा चार चढ़ा गए, तो ऊपर जो आग बबूला हो गए हैं बस। किलकारी मचने दो फिर देखो। सबसे ज्यादा किलकारी ऊपर की मेरे भाई, मजा आ जाएगा ना ऐसा। कभी भी दीन जाल हॉस्पिटल मत जाना गाइस, सबसे गंदा है वहां पर। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा सब, एवरी इवन सिंगल पर्सन, सबसे हाथ जोड़ के कहूँगा, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली है ना, तो कभी भी दीनदयाल का रुख मत कीजिए। अगर हाँ केजरीवाल जी की सपोर्ट है तो फिर आप जाइए, उनके रूप में आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। फैसिलिटी उसके अलावा कोई नहीं देगा आपको। यहाँ आपका इंडिपेंडेंट फैसिलिटी है, सेटिंग है, जो स्टाफ है वो आपका जानकार है, फिर आपको मिल सकता है। उसके अलावा कोई वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। गरीब लोग तो रोड हो के बच्चे पैदा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है वहाँ पे। रोटी चल रही है, दरबंदा पया है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो सुबह दोबारा से हॉस्पिटल आ गया है भाई। रात को चले गए थे, मम्मी वहीं पे रुके थे आपके साथ, तो आपको देखा, आपने देखा था जैसे हॉस्पिटल हमने चेंज करा रात से रात, क्योंकि वहाँ पे केयर नहीं हो रही थी, अब प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया। 26 रूम नंबर मिला हमें दशमेश हॉस्पिटल में, हमारा चल रहा है, थोड़ा टाइम ही रह गया, आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं बाहर गया था भाई, जूस लेके आया दीदी के लिए, जो भाभी को संभाल रहे हैं देर से, उनके लिए जूस और अपने लिए फ्रूटियाँ वगैरह लेके आए। तो थोड़ी देर में ही हमारे घर में बहुत खुशी आने वाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। फुल लग्जरी रूम मिल गया, यहाँ पे पार्टी चल रही है, ये तो चोरिया भी चल रहे हैं। मच 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 लेटर ओके, रात के हम 9:30 बज रहे हैं, तो लेके जा रहे हैं आपको, तो सारे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सब मम्मी वेट कर रहे हैं, भाई वेट कर रहे हैं, लेबर रूम में अब लेके जा रहे हैं फाइनली। मैं बस आधी से ज़्यादा मैं नर्स बन चुकी हूँ, और बस मैंने लेबर पेन की भी देख ली है, बहुत बुरी हालत होती है, इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है। सुबह 6 बजे से कर रहे हैं हम इंतज़ार, और 11 बजे और फाइनल डिसीजन ये हुआ है कि अब ऑपरेशन होगा। पहले तो कुछ बोल ही नहीं रहे, शांत है अभी, जब तक अंदर से रिजल्ट नहीं आया था। बच्चे की आवाज आ गई, आवाज आ गई, आवाज आ गई, आवाज आ गई है। नहीं, तो बहुत बहुत जा जा रही है। जो भी आए बेटी बेटा दोनों,
फर्स्ट टाइम ही रात उठ उठ के नहीं मंग रही परमा वाली होंगे बहुत ख्याल कर रही ना को लाया देखो कि मैं क्या बैठी थोड़े वाला भी बहुत ध्यान डॉक्टर आ गए लक्ष्मी चाची बन गया घर में आई लक्ष्मी और फोन करा ना पापा बन गया जे मैं पहले ही आता था हां नहीं गया मैं पहले ही आता था चल भाई बधाई हो तेरे को भी अरे गुरु गुरु भी और ता ता फट ओ आई तो फाइनली गाइस मैं चाचू बन गया पता नहीं इतनी खुशी हो रही है बयान नहीं कर सकता यार बहुत ही अच्छा लग रहा है फील होता नहीं कुछ बोल नहीं सकता मैं वर्ड्स नहीं है इतनी खुशी हो रही है इतना अच्छा लगता है ये मोमेंट गाइस कितना लग रहा है बहुत ही अच्छा देखो मैंने तो स्टेटस भी डाल दिया और फटाफट मैसेज आ रहे हैं सबके इतनी खुशी हो रही है बुआ बनने की गाइस ये बन गए बापू जी जो कि बापू जैसी शक्ल नहीं दिख रही थी लक्षण नहीं है बापू बनने वाले पर ये बन गया इसका औहदा बढ़ गया औहदा बढ़ गया छोटे छोटे तो आप छोटे छोटे हो गए जल्दी से वेट कर रहे हैं बेबी जल्दी वेट कर रहे हैं कब बेबी लग रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है पोस्ट बढ़ गई दादी बन गई लक्ष्मी आई है घर में लहर बहर जाएगी बच्चों की कमाई में चाची बन गया ये पापा बन गया वो बुआ बन गई असली रिश्ते तो आप बने हैं सबके दूसरों को तो रुकते इधर है सामने वो देख रही है तुझे वो छुपा ले वो उधर में देख रही है ओए थैंक यू ठीक है बिल्कुल बच्चे के गले में कॉर्ड थी इसलिए बेबी नीचे नहीं आ रहा था अच्छा 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 ना इसलिए बच्चा नीचे नहीं आ पा रहा था वो तो अल्ट्रासाउंड लास्ट वाले आपने दीनदयाल से कराई थी उसमें कुछ बताते हैं नहीं वो नहीं तो हम इतना लंबा ट्रायल ही नहीं देते ऐसे ठीक है बेबी भी ठीक है मदर भी ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू मैम देख लो एक बार देख लिया है ना हां जी जाओ दूर से जाओ हेलो जाओ देख के हेलो कैमरा फट के ला जाओ ओ मेरे कुछ को हां बुआ के बराबर है हां हां सच में बुआ मेरी पूछ को उन्हें 4 के दी की है तो कम लग रहा है आपको मैं भी इतने की हुई थी भाई तो सिर्फ बुआ के बराबर मैं भी इतने की हुई थी पूछ को मेरी जिंदगी आई कब तभी जल्दी नहीं उधर से आ रहे थे हां पूछ की हां जी बड़ा अच्छा सा नाम दे बुआ पूछ की क्यों बुला रहे पूछ की ने बहुत तंग किया इसलिए पूछ की मेरे कुछ को ओ भूख लगी अभी ओके ओके यार भाई यहां पे तैयारी हो रही है मैं आपको रूम दिखा के आता हूं रूम सजा भी देता इन्होंने ओ भाई साहब ये रूम सजा के वेलकम टू माय इट्स अ गर्ल कितना बढ़िया कर दिया हॉस्पिटल वालों ने दिमाग ओ भाई साहब अभी बाद में खोलेंगे हम
फॉस्फेट वाले आना सही जुगाड़ के हमने क्या सही करवाना था, इन्होंने करवा दिया सारा खुला कमरा सज जाए अपना। इट्स वेलकम टू द फैमिली, इट्स अ गर्ल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये फुल ट्रेंड नर्स मार गए की नर्स। देखिए गाइस, घर में लक्ष्मी आ चुकी है। कैसा लग रहा है? और ये बड़ी लक्ष्मी जो है इसके साथ जन्म मनाएगी। फुफड़ जी को कैसा लग रहा है? फुफड़ जी बन गए, बहुत अच्छा लग रहा है जी मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी बहुत मन खुश है। मैं तो वापस मुड़ के आया हूँ, पहले होम स्ट्रीट से गया फिर सीधा निकल गया। स्विगी से रात 12 के हलवाई खुला हूँ। कोई नहीं, सवेरे ले आऊँगी ना। देखो गाइस, हम यहाँ पे बेबी का इंतजार कर रहे हैं। देखो बेबी अंदर चीं चीं कर रहा है। बेबी सिर्फ उसकी आवाज ही कानों में आ रही है, पर बच्चा अभी तक गोदी में नहीं आया। पप्पू आ गए, पप्पू आ गए। हां अरे हाय, क्या हुआ? अरे छोनी गुड़ी गिद्दा पाणा पप्पू ना, गिद्दा पाणी थोड़ी बड़ी हो जाएगा। पापा पापा आ गए। हां ए पापा ने पप्पू ने, हां ए पापा छत्ते से बेबी आ गया हमारे पास। कैमरे की तरफ देख, डोलू शोलू है कैमरे से देख रही है। चुकने नहीं आता किसी ने, चुकने नहीं आता ना किसी ने, अकल ही नहीं। हाँ आदर आदर, हाँ ना भूआ ने आंदे सर बनाते ना, ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਬੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਰੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਗਾਰੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਦ ਮੇਂ ਉਠਾ ਕੇ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਈ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ। ਅੱਛਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਗੇ ਜੀ ਕਾ। ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤ ਗੋਲ ਮੂਆ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਬੀ ਕੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਬੇਬੀ ਕੋ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ। देख दिखाया था हमने मोटी में, बट एक बार फिर भी देखना है ना। रखना ज्यादा गर्मी लगी ना, उधर वाले पंखा चला लेना। देखो कैसे आंखें खोल के देखो। देख रही है ना, देख रही हूँ बेटा। पापा ने यहाँ रोज मिलेंगे, फूफू करके भी मिलेंगे। तो रात के 1:30 बजे गए और मैंने रसगुल्ले मंगवा लिए हैं होम स्वीट से, जो जोमेटो से खुली हुई थी। क्योंकि कहीं पे भी कुछ खुला नहीं था, मीठा तो मंगवाना जरूरी था, तो मैंने मीठा मंगवा लिया। जोमेटो वाला देने आ गया हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल में ही मैंने सीधी डिलीवरी कराई है। यहाँ से खोल के भाई खड़ा है हमारा वहाँ पे रसगुल्ले का डिब्बा लेके। ये तो भाई जी, थैंक यू सो मच भाई, थोड़ी लेट आया बस सही है। लेट उन्होंने लेट दिया इसे तो। डब्बा गाइस यहाँ पे आ गया, सबका मीठा लगाना है ऊपर, इतनी खुशी हो रही है।
डबल जाते देख के डब्बा वो डिंग 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 मिठाई वाले दी स्पेशल मिठाई आ गई है ओ भाई नहीं वो जैसे मैं ला रही थी वन डे मम्मी सारे ने तो सी देव अपने पहले मम्मी तो मुझे मिठाई करावा है रो जल्दी ओ भाई फुल लेके रसगुल्ले चल रहे हैं आज ओ भाई बधाइयां बधाइयां सारे ने रात के गए 2 बज रहे हैं Congratulations guys yalle ek eda dakkan tagra do party jin sabse zyada saath deta mitta karo jibu thank you आई ने भी मुठा करा आई ने आई मुठा कर दे तो रसगुल्ले चल गए गाइस यहां पे फुल आधी रात को 2 बजे फाइनली मेरी वो तीन ओ भाई नचनी लगी अडूड चाची की आली इनका नहीं The next morning. So guys, good morning. The next day शुरू हो गया है. आज सुबह के बज रहे हैं 7 और हम रात को जैसे 3:30 बजे घर आ गए थे. मन ही नहीं कर रहा था वहाँ पे उन्हें छोड़ने का बेबी वगैरह को. फिर भी हम वहाँ पे हॉस्पिटल में एक ही बंदा रह सकता है. फिर हम वहाँ से ओके रात को लेट नाइट घर आ गए थे. अब सुबह सुबह का टाइम है. फिर दोबारा हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल मिलता हूँ और क्यूट से बेबी से मिलवा दिए दोबारा और जी एनू भी इधर देख जरा हेलो कर दे सारे हाय गाइस हाउ आर यू
तेरी वेट कर रहे थे जतकीरत आ गया पंजाब से लाइव। यहाँ पे सब कुछ फ्री मिल रहा है, पैसे न पे कितनी लाइन लगी हुई है तिलक नगर में देख लो भाई। हम तो यहाँ पे जूस लेने नहीं निकले थे, पता चला यहाँ पे फ्री मिल रहा है, दुकान ही पूरी फ्री कर दी बंदे ने आज इतनी खुशी। रसगुल्ला पार्टी चल रही है गाइस यहाँ पे, रसगुल्ला पार्टी चल रही है। हाँ ना प्यो बज गया ओके गाइस अब हम जा रहे हैं, तो सैफी भाई कंग्रेचुलेशन, अभी पार्टी पार्ट रहे हैं यहाँ पे दोनों भाई, पूछा भी नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, याद कर रहा हूँ यहाँ पराठे चल रहे हैं भाई अब, और हम जा रहे हैं घर क्योंकि मुझे जाना है बेटी को छोड़ने, और बेबी हमारा नहाई धोई कर आ गया है, नहाई कर आ गई है मेरी मुत्तू। चलो ओके ब्रो, बाय बाय ब्रो, बाय ब्रो, कंग्रेचुलेशन पापा जी। कैसा लग रहा है पापा होने के बाद? बढ़िया लग रहा है बेबी, सो ही रही है काका, चिकी चुन काका आया चौथी कार, प्रणानी हो गई। ओ वीडियो बना रहे हैं ना तभी अच्छा लॉक पाएगा ना, पाएगा प्रणानी जी है, प्रणानी है शुरू। तो रात के गाइस बज रहे हैं एक बज चुका है, और मैं घर आ गया हूँ। आज दिन में आपने देखा कि इतने जाने आ रहे थे, तो काफ़ी सुबह 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक कोई ना कोई मिलने आता है गया, तो इधर उधर भागा दौड़ी भी लगे रहे, तो फाइनली मैं घर आया, और मैं भी अब यहाँ पे कपड़े वगैरह लेने आया हूँ उनके, और सामान वगैरह लेके सुबह सुबह 6 बजे फिर मेरे को जाना है, तो मैं आपको कल मिलता हूँ, कल भी नई चीज़ आपको दिखेगी, कल आपको मिलता हूँ। कल हमने वहाँ पे कोई रस्म वगैरह करनी है छोटी सी, तो वो भी करेंगे बच्चे के साथ, तो कल मिलते हैं आपको गाइस।